आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आइए आपको लेके चलते हैं अपने संवाददाता के पास, जहां पर हमारे संवाददाता एक चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं, मिशन गायक और गायिका दोनों लोग मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे आए थे, जैसा कि बसपा की सुप्रीमो मायावती जी आई थी, उनके साथ उनके जनसभा के संबंध में आए थे, तो जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पे किस लिए उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल गाजीपुर है और इनका नाम सपना बौद्ध है जी। हम दोनों लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए जी, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक हम लोग का ये सांस रहेगा, जब तक गला रहेगा, तब तक हम लोग बहन जी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए गाना गाएंगे। और हम लोग बाबा साहब को जो सपना था पूरे भारत को बौद्धमय करना और समतामूलक जाति भी समाज निर्माण करना, इस देश का शासक बनना, उस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का नाम, हम लोग विशाल गाजीपुर नाम हमारा है, इनका सपना बौद्ध है, हमारा गाजीपुर है, हम लोग गाजीपुर करने वाले हैं। बताएं आगे। जैसा कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ से जनसभा करके यहाँ से गई है, तो आप उनके सपोर्ट में एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं, उपस्थित है। तो अगर मैं यहाँ से आंकड़ों की बात करूँ कि भाजपा 1989 से लेकर अब तक मैं आगे पीछे यहाँ पे कायम है और बसपा तीसरे स्थान पे है, तो आप सभी लोगों का जो ये समर्थन है, ये कहाँ तक उनको जो है लाभ पहुँचाएगा? देखिए, सबसे पहले के मास आपके साथ, हर समय आपके साथ जो आपका चैनल है, जिसमें धन्यवाद देना चाहूँगा जी जी। और आपको भी, जो हम लोग की आवाज़, हमारी बहन जी की आवाज़ आप देश दुनिया को न करो तो पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो उनकी सरकार है, उस सरकार की जो आंकड़ा था उसको भी समाज के लोगों ने देख लिया जी जी। समाजवादी पार्टी की सरकार के जो आंकड़ा था उसको भी लोगों ने देख लिया। उसके बाद बहन जी का जो शासन काल रहा है, भाई साहब एक बार समझिए कि बहन जी चार चार बार मुख्यमंत्री बनी है। बहन जी चार चार बार मुख्यमंत्री बनी है, छोटी मोटी बात नहीं है। बहन जी का संघर्ष, बहन जी ने अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, मांग में सिंदूर नहीं लगाई, चूड़ी नहीं पहनी, साड़ी नहीं पहनी, वो लगातार इस समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए और बाबा साहब के सपना को पूरा करने के लिए अपना पूरा जिंदगी कुर्बान कर रही है। ऐसे बहन जी के सामने किसी का आंकड़ा फाकड़ा काम नहीं करेगा। बहन जी की सरकार बन रहा है क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, जोगिए थे आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, और हमारे ये समाज की नहीं, सर्व समाज की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, खास करके हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और दुष्कर्म करने के बाद उनको गला में सड़ा हुआ भूसा डाल करके उनको मार दे रहे हैं। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर महिला सुरक्षा देखी जाए तो वो हमारे शासनकाल में। भाजपा तो कुछ भी कहती है, महिलाओं की सुरक्षा पे आप बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा है, हमें लगता है कि हम खुद नहीं सेफ हैं। हमारे साथ क्या हुआ, सारे पूरी सोशल मीडिया पीछे हट जाइए, हम जो लोग आज कितने भटक रहे हैं, हमारे पास हमारे ऊपर हो गया है, कुछ उसका सुनवाई हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए विश्वास के पात्र नहीं है। जैसे मुकदमे की आपने जो बात कही, वो कहीं ना कहीं आपका गाना वायरल हुआ था, जिसको लेकर के आप लोगों के ऊपर काफी लांछन लगाए गए, तो इस चीजों को लेकर के था, तो क्या कह रही हैं आप इस पे? क्या आपने किसी पार्टी को लेकर उस गाने को वायरल किया था या फिर वो आपकी गीत अलग थी? समाज के लिए, देखिए समाज को जगाने के लिए गीत था जी। और हम लोग उस गीत में साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो किसी का नाम नहीं लिया गया है, वो गाना कोर्ट में भी गया हमारा, कोई आर्टिस्ट नहीं बन रहा है जी जी। हमको बेल हो गया हम लोगों को, लेकिन फर्जी तरीके से मुकदमा करके मुझे फंसाया गया है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण हो रहा है जी जी। निजीकरण का विरोध तमाम लोगों ने कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। हम लोग एक भोजन गायक, भोजन गायक होने के नाते हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस समाज के गायक हैं और हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग की अधिकार है अपनी बात रखने के लिए। हम लोगों ने गाना गा के निजीकरण का विरोध किया कि हम लोग निजीकरण के विरोध कर रहे हैं क्योंकि निजीकरण हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग गाना गाया था और हम लोग उस गाने को बहन जी को मजबूत करने के लिए गाना गाया। अच्छा अच्छा, नहीं उसमें आपने कहीं ना कहीं चाय विक्रेता की बात कही थी, वो कैसा गाना था, कौन सा गाना था, एक बार आप बताएंगे क्या? चाय विक्रेता गाना है जी। आप पार्टी लेकर नहीं हम गाए, बात रही कि इसमें जो बोला गया चाय विक्रेता,
तो चाय वहीं से बेचते नहीं है, बहुत सारे लोग चाय बेचते हैं देश के, बहुत सारे लोग, लेकिन मिर्ची उन्हीं को मतलब ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम तो नाम लिए नहीं किसी पार्टी का, मिर्ची उसी भाजपा को क्यों ही लगे, सपा को भी लगनी चाहिए थी, कांग्रेस को भी लगनी चाहिए थी, आम आदमी पार्टी को भी लगनी चाहिए थी, ये बीजेपी को ही क्यों मिर्ची नहीं? कहीं ना कहीं चाय बेचने की बात अगर की जाए और देखा जाए तो उसमें ज्यादातर लोगों का ध्यान निजीकरण तो बीजेपी कर रही है, ठीक है, बहन बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बीजेपी की सरकार बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म हो रहा है, ये भी बीजेपी की सरकार में है, तो निजीकरण को देखते हुए सारे लोग धरना प्रदर्शन के। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन विशाल गाजीपुरी जी के साथ रहेगा, वो आखिर कौन सा गाना था जिसको लेकर सुनने वालों ने पूरा जिंदगी कुर्बान कर रही है, ऐसे बहन जी के सामने किसी का आंकड़ा फाकड़ा काम नहीं करेगा। बहन जी की सरकार बन रहा है क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे जहाँ तक देश विदेश की जहाँ तक सवाल है, हर एक देशों में बहुत कंट्रियों में बहन जी को सम्मान करते हैं, तो बहन जी की ये बस खनक थी, बहन जी का ये आवाज था, बहन जी का बस चेहरा था, चेहरा देखने के लिए आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ थी आज, आज लाखों से ऊपर भीड़ था, 2.5 लाख से ऊपर प्लस की भीड़ था, और यहाँ पर देखे कटरेन जो लगा था, कटरेन बहन जी को लोग देख नहीं पा रहे थे, तो कैसे कैसे लोग चढ़ रहे थे, कटरेन को पकड़ रहे थे उसका बल्ली, कटरेन गिरा लेकिन कोई उसमें से कोई चोट नहीं लगा किसी को, लोग आपस में संभाल लिए और उसके बाद फिर बहन जी को देखने के लिए आगे बढ़ गए। पेड़ देखिए, पेड़ पर कितना रिस्क लेकर के, बहन जी के लिए तो विशाल गाजीपुरी सपना बोध ने भी रिस्क लिया था, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, आया देश जैसा कि अगर मैं आपके गाने की बात तो भी कर लेंगे हम, लेकिन थोड़ी सी मैं आपके साथ एक और बात करना चाहूंगा, वीडियो मोबाइल मत आगे ले जाइए भाई, और अपने समाज की बात कर रहे हैं, समाज की बात को देखा जाए तो इस बार कितने प्रतिशत उनके समाज का उनके साथ होगा, देखिए अपने बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो परसेंट, जो हमारा 22% वोट है जी, और उसके कितना परसेंट, 22% 18% हम लोग नहीं नहीं 27% तो देखिए जो कैडर वोट था अपना बहुजन समाज पार्टी जी, वो तो कैडर वोट रहेगा ही जी, कुछ लोग चंद चलाक जो पार्टी बना बना करके वोट काटने के चक्कर में लगे हैं, तो वो तो आदमी जाएगा तो देखे कि हाथी कहाँ है, वो नहीं देखे केतली फेतली हाथी फाकी क्या दिखाई वो कौन दिखा देगा, भैया हाथी कहाँ है भैया, तो है क्या हाथी, दबा हाथी पर, तो लोग हाथी को देख रहे हैं, ठीक है। अब रही सवाल, आपने कहा कि नहीं बहन बहन जी को आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं, बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है और हम लोग पूरा जोश जुनून के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बहुत लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, आप देखे होंगे बिल फाड़ा गया था SST का, उसको भी कोई छुपाया नहीं जा सकता है, आप बीजेपी पार्टी में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेची बेटी बचाओ के नारे जो दिए थे, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, और हमारे समाज की नहीं सर्व समाज की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, खास करके हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और दुष्कर्म करने के बाद उनको गला सड़ा हुआ भूसा डाल करके उनको मार दे रहे हैं। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर महिला सुरक्षा देखी जाए तो वो हमारे शासनकाल में, भाजपा तो कुछ भी कहती है तो उसके बाद हम थोड़ी विश्वास करेंगे जी। भाजपा ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा पे आप बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा है हमें, और हम लोग उस गाने को बहन जी को मजबूत करने के लिए गाना गाए। अच्छा अच्छा, नहीं उसमें आपने कहीं ना कहीं चाय विक्रेता की बात कही थी, वो कैसा गाना था, कौन सा गाना था, एक बार आप बताएंगे क्या? चाय विक्रेता गाना है जी, आप पार्टी को लेकर ढूंढ रहे हैं, किसी को पार्टी लेकर नहीं हम गाए, ठीक है, बात रही कि इसमें चोर बोला गया चाय विक्रेता, तो चाय वहीं से बेचते नहीं है, बहुत सारे लोग चाय बेचते हैं देश के, बहुत सारे लोग, लेकिन मिर्ची उन्हीं को मतलब ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम तो नाम लिए नहीं किसी पार्टी का, मिर्ची उसी भाजपा को क्यों ही लगे, सपा को भी लगनी चाहिए थी, कांग्रेस को भी लगनी चाहिए थी, आम आदमी पार्टी को भी लगनी चाहिए थी, ये बीजेपी को ही क्यों मिर्ची नहीं? कहीं ना कहीं चाय बेचने की बात अगर की जाए और देखा जाए तो उसमें ज्यादातर लोगों का ध्यान निजीकरण तो बीजेपी कर रही है, ठीक है, बहन बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बीजेपी की सरकार बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म हो रहा है, ये भी बीजेपी की सरकार में है, तो निजीकरण देखते हुए सारे लोग धरना प्रदर्शन के। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन विशाल गाजीपुरी जी के साथ रहेगा, वो आखिर कौन सा गाना था जिसको लेकर सुनने वालों ने, लेकिन हमें कौन लूटा है, उत्तर प्रदेश को कौन लूटा है, पूरे भारत को किसने लूटा है, कि हमें तो लूट लिया, बहुजनों को लूट लिया, सर्व समाज को लूट लिया, मिल के चाय वालों ने,
न्यूज कौन गोरी गोरी गालों ने पके पके बालों क्योंकि सपा चट वाले तो उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरे तरफ से कहना है कि यूपी को लूट लिया, यूपी को लूट लिया मिलके गाय वालों ने, यूपी को लूट लिया मिलके गाय वाले ने, आ गोरे गोरे गालों ने सपा चट वाले जैसा कि अभी आपने देखा हमारे किसान गाजीपुर और उनकी पत्नी दोनों लोग यहाँ पे लोगों को जनसंपर्क के माध्यम से एक तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। और देखना यह है कि 2022 का जो चुनाव है यह 10 तारीख को तय करेगा कि किसके पक्ष में जाता है। हर पार्टियाँ अपने अपने गीत लोकगीतों के माध्यम से अपने अपने प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लुभाने का काम कर रही है। वैसा ही सेम यहाँ पे विशाल गाजीपुर और उनकी पत्नी यहाँ पे उपस्थित थी लोगों को अपने बीच जोड़ने के लिए। अब ये 2022 की 10 तारीख जो एक आंकड़ा है जो 10 तारीख डेट दी गई है उस तारीख में ये तय करेगी जनता जो है कि किस पार्टी के पक्ष में वोट जाता है। मैं वीरामणि गौतम की मत नहीं चाहता।